मेरा नाम मनप्रीत सिंह है जी। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? विलेज खजराबाद जी। किस परेशानी के साथ आप यहाँ पे आए थे सर? मैं जी 2 साल तो अल्सरेटिव कोलाइटिस नाम की बीमारी तो परेशान थी, काफ़ी परेशान थी। मैं काफ़ी जगह दवाई खाई है पर आराम नहीं कोई भी आया। अच्छा, क्या सिम्टम आ रहे थे अल्सरेटिव की वजह से आपको? ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती थी, म्यूकस आता था जी, अच्छा, ते बारह बार स्टूल ही आता होता था। कितने टाइम से ये दिक्कत आपको? मैंने 2 साल तो गई 2 साल से है। एलोपैथिक दवाई बहुत करी, मैं बिच बहुत डॉक्टरों को गया जी। इससे पहले आप कहाँ से इलाज करवा रहे थे? अच्छा, मैं चंडीगढ़ बिच करवाया था जी, 22 सेक्टर तो गई पहले। हाँ जी, तो एलोपैथी इलाज करवाता था जी पहले मैं, उस बिच कोई आराम नहीं आया। फिर मैं अपनी आयुर्वेदिक भी दवाई स्टार्ट करी, आयुर्वेद डॉक्टर कहाँ से ली थी सर? ए मैं 82 सेक्टर मोहाली तो डॉक्टर बिक्रम चौहान तो। अच्छा, सर वहाँ से कितना आपको आराम मिला कुछ या नहीं? नहीं, मैं 5 महीने दवाई खाती उतों तो कोई आराम नहीं आया जी। फिर चंडीगढ़ आयुर्वेद सेंटर के बारे में आपको कहाँ से पता चला सर? मैं परेशान था जी, रोंदा रहता था जी, वीडियो देखता रहता था मैं। फिर मैं जदों इन्हों की वीडियो देखी, फिर मैं भी हाँ वीडियो जी, और भी देखी अभी काफ़ी यूट्यूब से स्पेस। देखी थी। हाँ जी, यूट्यूब तो देखी है मैं। फिर ओके मैं सर, गूगल तो भी सर्च की इन्हों के बारे, तो काफ़ी वधिया रिस्पॉन्स मिले मैंने इन्हों तो। सर आप यहाँ पे कितने टाइम से दवाई खा रहे हो? आप यहाँ से मैनू अजे 3 महीने होए जी दवाई तो, कितना आराम है आपको अभी? मैनू 60% आराम पै गया जी। बहुत आराम है अभी हाँ फिर जी, तो बहुत आप। आराम पै गया जी। ठीक है सर, आपके जैसे और भी बहुत पेशेंट्स हैं अल्सरेटिव के, जो इस हाँ चीज जी, से हाँ, बहुत परेशान है, ट्रीटमेंट ले चुके हैं, आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप यहाँ आने के बाद? एक दो जने तो मैं सलाह दई भी आई, वो इतों तो दवाई स्टार्ट करती है, उन्होंने भी काफ़ी आराम है जी। तो मैं बाकियों ने भी यही कहूँगा कि जेड़े भी इस बीमारी तो परेशान है तो इतों चंडीगढ़ आयुर्वेदिक सेंटर तो जरूर एक बार डॉक्टर साहब को दिखावे। तो जिथे मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब सी, मेरे हाँ को जी, फोटो भी पई हैं अपनी अच्छा, ब्लीडिंग दी, पर मैं क्या दिखानी हो। हाँ जी, पर मैं वादा करता भी बहुत छेती आराम आऊँगा जी।